जय श्री राम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप यू आर वेरी वेल। सो दोस्तों, आज हमारा डे 36 और आज हमें करना है 40 60। हाँ, 460 हमें रोप कूदने हैं, बट आज हम रोप यहाँ पे नहीं कूदेंगे, रोप हम क्लास में करेंगे। बट उससे पहले मैं आपको थोड़ी सी स्ट्रेंथ करूँगा और मैं अब जिम की वीडियोस ज़्यादा नहीं बनाऊँगा, मतलब दो सेट्स दिखाया करूँगा जो भी सेट्स मार रहे हैं, क्योंकि वीडियोस ना मतलब बहुत लॉन्ग होती जा रही है क्योंकि रोप ज़्यादा हो रहे हैं, है ना। और अभी मैं स्टूडेंट के साथ भी कर रहा हूँ तो टाइम थोड़ा ज़्यादा खींच रहा है, इस वजह से अब कोशिश करेंगे कि कम से कम चीज़ों में ज़्यादा से ज़्यादा दिखा सकें, है ना। मतलब कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें दिखा सकें। बाकी शोल्डर कर रहे हैं आज हम, दो वर्कआउट दिखाता हूँ इसके बेस्ट, उसके बाद तुम्हें स्ट्रेंथ की कुछ चीज़ें समझाता हूँ जो तुम्हारे लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है और मेरे लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 30 दिन कंटिन्यू करो, तुम्हें मजा आ जाएगा। दो, तीन, चार, पांच, छह, सात, दस, 11, 12, 3, 4, 5, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17
इम्पोर्टेंट है हमारे मसल्स के लिए, है ना, हमारे हैंड स्ट्रेंथ के लिए। सबसे पहले हम करेंगे सिंपल रोल, 10 रोल करेंगे, 10 बैक रोल करेंगे, 10 हैंड स्टैंड रोल करेंगे, और उसके बाद जो भी करेंगे वो मैं आपको दिखा दूंगा। तो जल्दी जल्दी करते हैं, बट मैं आपको समझा भी देता हूँ। सिंपल है, अपनी नेक को ना अपने चेस्ट से ऐसे टक करके रखो और हैंड पे थोड़ा सा वेट डालो, सिंपल थोड़ा सा, ये दोनों जॉइंट सेम यहाँ पे पकड़ो। तुम ऐसे करेंगे, 2 3 सिंपल करना है बस, 4 और ये 5। अभी क्या करना है, अब हमें क्या करना है, इसको टच नहीं करना जंप करने से, जो हम टाइगर जंप करते हैं, दिख रहा हूं मैं भैया। तो अब हमें थोड़ा सा पीछे से आना है और ये जंप, 1 सिंपल जंप, वही सेम टेक्निक, हाथों में जान आनी चाहिए और यहां पे थोड़े से आगे जाके ध्यान रखो, ये जंप लेना पंप, ये सिंपल, यहां पे हां सिंपल बैठो, ये पोजीशन, ये फोल्ड रहना चाहिए, हाथ आना चाहिए, तब में आए वापस सिंपल। हाथ पे खड़े होकर रोल कैसे करना है वो देखो, देखो सिंपल, वही जो हमने रोल में किया, बैक रोल में किया, वही यहां पे हैंड होगा। अब रोल सिंपल, ये अब रोल, 1 मिनट ऐसे होल्ड करके रखना, शोल्डर को पीछे नहीं आगे, और एक ग्रिप सेट करना है, 1 मिनट ये, 1 मिनट ये, एक एक मिनट दो चीज करो, इससे आपका ग्रिप अच्छा होगा। और उसके बाद लेग से 1 एंड 2 गैप होना चाहिए, मतलब एक बॉक्स का गैप, गैप पॉइंट खींचो, गैप पॉइंट खींचो, गैप पॉइंट खींचो, ये सारी चीज करो, आपको ऑटोमेटिकली इसमें ना बहुत इंप्रूवमेंट दिखेगा। मैं भी 30 डेज के इस सीरीज पे चल रहा हूँ, स्ट्रेंथ कोर और लेग्स तीनों चीज अपनी अच्छी कर सके। कुछ भी समझना हो आप मेरे से कॉन्टेक्ट कर सकते हो, डीएम कर सकते हो और कमेंट करके पूछ सकते हो। अब चलते हैं घर पे और कुछ खाते पीते और मजे। सो भाई घर आ गया हूँ,
बट मैंने तुमसे कल एक प्रॉमिस किया था कि तुम्हें वो दिखाऊंगा भाई। ये देखो ऐसे बने और बड़े प्यारे हैं भाई, बहुत ही टेस्टी है, मेरे को तो दिल खुश हो गया। आपको भी ना अगर ये बनाने हैं तो मैं बता दूंगा कैसे बनाने हैं। सब लोग बनाओ और हेल्दी खाओ, टेस्टी खाओ, बाहर की चीज़ें मत खाओ, मिठाई खानी है ये बना के खाओ, बहुत ही टेस्टी है। इसमें ओट्स हैं, ड्राई फ्रूट्स हैं और खजूर है और थोड़ा सा घी है। चारों चीज़ एकदम टेस्टी है, चारों चीज़ हेल्दी है, खाओ एंजॉय करो। रोज डेली एक या दो पीस खाओ, आपके लिए हेल्दी भी रहेगा और आप में जान भी आएगी, एकदम मस्त पावरफुल हो जाओगे। मिठाई विठाई सब छोड़ दो, ये खाओ सबसे बेस्ट हेल्दी। अब चलो फटाफट अपनी डाइट लेते हैं। सो भाई अपनी पहली मील दलिया, इसको अब मैं चेंज करने वाला हूँ, इसकी बजाय दूसरी स्टार्ट करने वाला हूँ अपनी मील, वो भी तुम्हें बता दूंगा। बट दलिया मेरे को थोड़ा कंफर्टेबल, थोड़ा अच्छा लगता है, इसलिए मैं खाता हूँ। आप भी खाओ अगर पसंद है तो। वो इसमें सब कुछ डालता हूँ मैं, ऐसा नहीं है। देखो ये रहा नारियल, सब कुछ डाल के खाओ आराम से, फुल टेस्टी बनाओ, हेल्दी खाओ। और हमें करने हैं 460 रॉक आज। स्टूडेंट अभी तक नहीं आए हैं, आधे घंटे से भी ज़्यादा हो गया, तो पता नहीं क्यों नहीं आए। जब आएंगे तो उनके साथ करेंगे फिर स्ट्रेंथ वगैरह, बट अभी करते हैं रॉक। 460 का टारगेट है तो कंप्लीट करते हैं। वैसे तो उनके साथ कूदने थे मुझे, बट कोई नहीं, अगर वो नहीं आए तो करते हैं खुद ही। लेट्स गो गणपति अप्पा मोरिया। नौ, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 60, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208,
40 40 45 40 47 48 49 50 150 कंप्लीट। तिहत्तर बहत्तर तिहत्तर चौहत्तर पचहत्तर छिहत्तर सतहत्तर अठहत्तर उनासी अस्सी इक्यासी बयासी तिरासी चौरासी पचासी पचानवे छियानवे सत्तानवे अठानवे निन्यानवे सौ 200 कंप्लीट। 11 12 13 14 15 17 18 20 21 22 24 25 26 27 28 29 30 40 42 43 44 45 46 47 48 49 250 280 81 82 83 84 85 86 87 88 99 94 95 97 98 99 100 300 कंप्लीट। गणपति अप्पा मोरिया 10 11 12 13 14 15 20 25 26 27 28 29 30 31 32 40 कंप्लीट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
दिन पहले आप काम हो गया। हाँ बिलीव योर सेल्फ, हार्ड वर्क ओनली, नो एक्सक्यूज, लेट्स गो। 400 कंप्लीट। भाई मैं तो अपना सारा वर्कआउट करके बैठ गया हूँ, बटरफ्लाई लास्ट रह रही है वो कर रहा हूँ। आज बच्चे नहीं आए, उन्होंने कर ली छुट्टी, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब चल रहे लाइब्रेरी, सारी एडिटिंग जो भी मेरे को करनी है, क्योंकि जो कल शूट किया था उसकी एडिटिंग करते हैं। लाइब्रेरी में कुछ खा पी के निकलते हैं, लाइब्रेरी वहाँ पर थोड़ा टाइम देते हैं और अपना एक काम थोड़ा अच्छे से कम्प्लीट करते हैं। मिलते हैं तुमसे। कंडीशन दिखाऊँ तुम्हें, बॉडी की कंडीशन देखो। ये ख़त्म करना है बस, एब्स बनाने ख़त्म के। देखो ये है लास्ट, ये वाला फैट, लोअर फैट ख़त्म, ये सेट, शोल्डर वोल्डर सब ऑलमोस्ट आराम आराम सब बन जाएंगे, बाइसेप्स वगैरह सब कुछ। चलते आज का प्रोसेस पूरा, आज कोई बच्चा नहीं आया, एक घंटा हो गया भाई। तो ये आ गया हमारा मील, दोबारा से मेरा आ गया ब्राउन राइस केक विद पीनट बटर। ये अपना देसी मिठाई है ना, ये मैंने बता ही दिया था, वन बनाना। तो फटफट खाते हैं और उसके बाद चलते हैं लाइब्रेरी। भाई मैं लाइब्रेरी आ गया हूँ और ये पढ़ लो, माना वक्त लग रहा है तुम्हारे आने में, पर थोड़ा हौसला रखो, वह वक्त जब आएगा तब ये वक्त भूल जाओगे। ये बहुत सही सीट है भाई। टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर लाइफ टू चेंज इट, यू आर द ओनली वन, यू कैन डू इट फॉर यू। और ये देखो मैं यहाँ अब और अधिक खड़ा हूँ, रहने में असमर्थ हूँ, मैं अपने को भूल रहा हूँ, मेरा सिर चकरा रहा है, हे कृष्णा मुझे तो केवल अमंगल के कारण दिख रहा है। तात्पर्य, अपने अधर्य के कारण अर्जुन युद्धभूमि में खड़ा रहने में असमर्थ था, और अपने मन की इस दुर्बलता के कारण उसे ऐसा आत्मविस्मृत्य हो रही थी। भौतिक वस्तुएं के प्रति आध्यात्मिक आसक्ति के कारण मनुष्य ऐसी मोहमय स्थिति में पड़ जाता है। भय द्वितीय वामी भीनी विशांत स्थान है। ऐसा भय तथा मानसिक असंतुलन उन व्यक्ति में उत्पन्न होता है जो भौतिक परिस्थिति में ग्रस्त होते हैं। अर्जुन को युद्ध भूमि में केवल दुखदायी पराजय की प्रतीत हो रही थी। वह शत्रु पे विजय पाकर भी खुश नहीं होगा। निर्मितानी विप्रतानी शब्द महत्वपूर्ण हैं। जब मनुष्य को अपनी आशाओं में केवल निराश दिखती है तो वह सोचता है मैं यहाँ क्यों हूँ। प्रत्येक प्राणी अपने में तथा अपने स्वार्थ में रुचि रखता है, किसी की भी परमात्मा में रुचि नहीं होती। कृष्णा की इच्छा से अर्जुन अपने स्वार्थ के प्रति अज्ञान दिखा रहा है। मनुष्य का वास्तविक स्वार्थ तथा विष्णु का कृष्णा में नियमित है। वृद्ध जीव इसे भूल जाता है, इसलिए उसे बहुत ही कष्ट उठाने पड़ते हैं। अर्जुन ने सोचा कि उसकी विजय केवल उसके शौक का कारण बन सकती है। जय श्री राम।